देखिए मेरा रोल तैयार है खाने के लिए। आप भी इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। आज हम बनाने वाले हैं अपने घर में ही एक रोल, जिसमें कि 2 कप हम मैदा लिए हुए हैं और इसी में हम थोड़ा सा जो है कि गेहूँ का आटा लेंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा सा गेहूँ का आटा लेंगे, अब ले भी सकते हैं या स्किप भी इसको कर सकते हैं। हम ले रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसको सॉफ्ट बनाना है। इसको हम मिक्स कर देते हैं दोनों को, मैदा और आटा को। इसको हम मिक्स कर देते हैं मैदा और आटा को। मिक्स करके इसमें हम थोड़ा सा जो है कि ऑयल डालेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, रिफाइन ऑयल ले सकते हैं, थोड़ा सा ही डालेंगे जो सॉफ्ट बनाएगा इसको। तो मिक्स कर देते हैं तेल को भी थोड़ा सा। अब इसमें हम जो है कि अपने हिसाब से पानी डालेंगे, जैसे हम लोग घर में रोटी बनाते हैं उस तरह का डो बनाएंगे अभी हम। अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा पानी अगर दे देंगे तो फिर ये जो है कि गीला हो जाएगा और ये डो सही से तैयार नहीं होगा। तो हम 10 मिनट के लिए जो है कि सेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसका जो है कि छोटी छोटी लोई बनाकर हम इसका जो है कि रोल बनाएंगे। मेरा जो है कि आटा जो है कि सेट किया हुआ 10 मिनट हो गया है। देखिए अब इसका हम जो है कि छोटी छोटी लोई बना के फिर इसको जो है बेलेंगे। देखिए हम इस तरह से जो है कि लोई छोटी छोटी बना लिए हैं। अब इसको जो है हम इसको जो है कि इसका रोटी बनाएंगे और उसके बाद तवा पे इसको सेकेंगे। ये जो लोई बनाया हुआ है, छोटी छोटी जो लोई बना हुआ था, इसको हम हाथ से थोड़ा सा गोल कर लेंगे। और थोड़ा सा मैदा का आटा इसमें लगाएंगे, जिससे कि चिपकेगा नहीं। इस तरह से हम गोल बनाएंगे बेलन से। इस तरह से जो है कि हम लोई का जो है कि रोटी बना लेंगे पतला करके। फिर इसको हम अभी तवा पे सेकेंगे, हल्का सेकना है, दोनों साइड सेकना है। इस तरह से पतली रोटी बेल लेनी है, हमने सारा बेल लिया है। अब इसको जो है कि हम अब तवा पे इसको सेकेंगे। मेरा तवा हीट हो गया है और हम इसमें अभी जो है कि बेला हुआ जो है कि रोटी रखेंगे। इस तरह से धीरे से रखना है और इसको ज़्यादा नहीं, 5 से 10 सेकेंड रखना है, नहीं फिर जल जाएगा। जो व्यूअर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नए नए वीडियो सबसे पहले आप देख लें। देखिए मेरा जो है कि दोनों साइड पक चुका है, अब इसको जो हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम सारा जो है कि रोटी बेल के इसको पका लिए हैं। अब इसके लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे, उसके बाद फिर आपको बना के दिखाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बना है ये, बहुत ही सॉफ्ट बना है। देखिए देखिए एग रोल का स्टफिंग बनाने के लिए हम लोग ले लिए हैं बंधा, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च और थोड़ा सा जो है कि बीट है। और हम अब तैयार करते हैं इसका स्टफिंग। हम लोग का तेल गर्म हो चुका है, हम स्टफिंग जो है कि कढ़ाई में ही बनाएंगे। अब हम इसमें जो है कि डालते हैं हरी मिर्च, प्याज, इसे हम डालते हैं
शिमला मिर्च, थोड़ा सा बीट बचा था वो भी डाल दिए। इसमें हम टमाटर भी डाल दिए हैं। अब इसमें हम जो है कि बल्ला डालते हैं। मीडियम आंच पे ही हम पकाएंगे, इसकी पिंक को ज़्यादा नहीं पकाना है। ऐसे इसमें थोड़ा सा हम विनेगर डालते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना है, और थोड़ा सा सोया सॉस डालते हैं। हाफ चम्मच सेकेंड लगभग पूरा हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। देखिए हो गया है, तवा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो है ऑयल डालते हैं। हम सरसों का ऑयल में बना रहे हैं, आप कोई भी ऑयल में बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में। अब इसमें हम रोल डालेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे। इसको हम इस तरह से मिला के इसको चारों तरफ अच्छे से मिलाएंगे, चारों साइड इसका कोटिंग हो जाए। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। लगाएंगे तो कच्चा पन अच्छा रह जाएगा। देखिए मेरा रोल तैयार है खाने के लिए। आप भी इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है।